नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल TGT Tech Guru Tutor में। मैं हूँ विनय कुमार। मैं आज आप लोगों को Windows 10 में टेक्स्ट कर्सर सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। Windows 10 टेक्स्ट कर्सर सेटिंग्स में हम लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट कर्सर में इंडिकेटर को लगाना, इंडिकेटर के साइज को बदलना, इंडिकेटर के कलर को बदलना, टेक्स्ट कर्सर के थिकनेस को बदलना। तो चलिए इन सबको हम लोग सीख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग विंडोज 10 में टेक्स्ट कर्सर की सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ से सेटिंग्स ऑप्शन ले लेंगे। तो हमें विंडोज़ की ऑल सेटिंग नज़र आएगी। आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। एक्शन सेंटर में जाकर के ऑल सेटिंग ऑप्शन ले लेंगे तो यहाँ से भी आप विंडो सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें इजी ऑफ एक्सेस में जाना है और हमें यहाँ पे साइड में देखेगी टेक्स्ट कर्सर। टेक्स्ट कर्सर लेते ही हमें टेक्स्ट कर्सर की सारी सेटिंग्स यहाँ पे नज़र आएंगे। अब यहाँ आपको यूज टेक्स्ट कर्सर इंडिकेटर का ऑप्शन दिख रहा है। इसके नीचे देखेंगे तो टर्न ऑन टेक्स्ट कर्सर इंडिकेटर। यहाँ से आप अपने कर्सर में इंडिकेटर को लगा सकते हैं। अगर इसे ऑन कर देते हैं तो लग जाएगी। जैसे अभी मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। मेरा नोटपैड ओपन हो चुका है। अगर आप नोटपैड के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा नोटपैड वाला वीडियो देखिएगा, वहाँ पे आपको नोटपैड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिया है। अब नोटपैड में देखेंगे तो कर्सर जो है बहुत ही पतला दिख रही है और ये यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नज़र नहीं आ रहा है। चलिए मैं इसे ऑन कर लेता हूँ इंडिकेटर को। जैसे ही मैं इंडिकेटर को ऑन करता हूँ तो अब मैं नोटपैड में आऊँगा तो देख पा रहे हैं कि इंडिकेटर इस तरह हमें दिखाई देगी ऊपर और नीचे। आप इसका साइज भी बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगी ऑप्शन चेंज टेक्स्ट कर्सर इंडिकेटर साइज। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे साइज ऑप्शन मिल जाती है, कम से कम एक और अधिक से अधिक 5। तो इस तरीके से हम साइज भी बदल सकते हैं और एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है। और अगर देखेंगे तो यहाँ भी ये साइज कम ज़्यादा हो जा रही है। तो मैं अभी इसको सबसे अधिक रखता हूँ। और इसके नीचे देखेंगे तो सजेस्टेड टेक्स्ट कर्सर इंडिकेटर कलर, यानी कि आप यहाँ से अपने इंडिकेटर का कलर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी येलो कर देता हूँ तो इंडिकेटर का कलर येलो हो चुका है। आप पिंक कर देंगे तो पिंक भी आपका यहाँ पे इंडिकेटर हो जाएगा। या अगर अपनी मर्जी का चाहते हैं कलर तो आप पिक ए कस्टम कलर में जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कलर ले सकते हैं जो भी चाहें। जैसे कि मैं अगर रेड चाहता हूँ, रेड में भी कितना डार्क वाला रेड चाहता हूँ या फिर प्योर रेड चाहता हूँ, यहाँ से आप ले सकते हैं। और जैसे ही डन करते हैं आप यहाँ पे तो आपका जो इंडिकेटर है वो रेड कलर का हो जाएगा इस तरह से। तो आप अपने इंडिकेटर की सेटिंग्स को यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे कर्सर का अपेरेंस मिल जाता है, जहाँ पे चेंज टेक्स्ट कर्सर थिकनेस, यानी कि अपने कर्सर का थिकनेस भी बदल सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे तो हमारा कर्सर जो है बहुत ही पतला है। अगर इसे चाहते कि थोड़ा मोटा कर दे तो यहाँ पे इसे भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इसे अभी 5 पे सेट कर लेता हूँ और अब देखेंगे तो हमारा कर्सर थोड़ा ठीक दिख रहा है। तो यह देखने में आसानी हो जाएगी कि आपका कर्सर किस जगह पर है और आप कहाँ पे टाइप कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने कर्सर का थिकनेस अधिक से अधिक 20 कर सकते हैं। तो इस तरह दिखेगी और कम से कम यहाँ पे 1 पे आप अपने कर्सर को सेट कर सकते हैं। तो आसानी से आप देख सकते हैं। और देखने में ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा तो फिर इंडिकेटर ऑप्शन मिल जाता है, इंडिकेटर ऑन कर लेंगे और आप अपने कर्सर पे इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। कहीं भी ये इंडिकेटर वर्क होगी। आप कहीं भी अगर टाइप करते हैं जहाँ पे टाइप का ऑप्शन मिल जाता है तो वहाँ इंडिकेटर आपको दिखेगी। जैसे मैं एक दूसरा प्रोग्राम में दिखा देता हूँ वर्ड, तो वर्डपैड में भी देख पा रहे इंडिकेटर हमें मिल जा रही है। तो इस तरह से आपको कहीं भी ऑप्शन मिल जाएगी इंडिकेटर का। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रिलेटेड सेटिंग में माउस पॉइंटर सेटिंग्स मिल जाती है। अगर आपको माउस पॉइंटर देखने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ से आप अपने माउस पॉइंटर का साइज भी बदल सकते हैं। इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही इन सब की आप घर में प्रैक्टिस भी करें। धन्यवाद।